इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। होटल रीजेंसी पर छापा, सड़ा पनीर खाना और सब्जियां बरामद, लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश फूड इंस्पेक्टर ने की। लेडीज क्लब में परंपरागत तरीके से मनाया गया दीपावली उत्सव। भर्ती के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा स्वरूप रानी अस्पताल में, परीक्षा टलने से हुआ था हंगामा, पुलिस ने संभाला माहौल को। राहुल की सभा की तैयारी जोरों पर, रीता जोशी ने मोबाइल से स्थल का फोटो खींचकर भेजा आलाकमान को। लेडीज क्लब में परंपरागत तरीके से मनाया गया दीपावली उत्सव। आज हमारा दिवाली सेलिब्रेशन है जिसका नाम दिवाली धमाका रखा है हम लोग ने। इसमें मेनली हम लोग के क्योंकि दिवाली का है तो गेम्स है, हाउजी है और कुछ एक क्विज है। हम लोग के स्पॉन्सर्स हैं एक, जिन्होंने ये पूरा इसका कवर कर रहे हैं, जो पूरा कंडक्ट भी कर रहे हैं इसको, और बस इतना ही है। होटल रीजेंसी पर छापा, सड़ा पनीर खाना और सब्जियां बरामद, लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश फूड इंस्पेक्टर ने की। इंडिया हानिकारक है और वो उसका नमूना भर करके उसको नष्ट कराएंगे। किचन में भी आपने, किचन में इसकी इतनी अधिक गंदगी है कि लावारिस की व्यवस्था है टोटल। इसके लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए मैं लिखूंगा ऊपर, इसका लाइसेंस जारी नहीं होगा। क्या सड़ा हुआ खाना भी मिला किचन के अंदर? इसके अंदर सड़ा, हाँ, वो रोटी, रोटी रोल कर, सड़ी रोटी, हाँ। शिमला मिर्च सड़ा हुआ वो पनीर रखा है, आटा गुथा वो भी सड़ा हुआ कई दिन का। मैंने टोटल फ्रिज एकदम गंदगी, लावारिस व्यवस्था है, नाम का होटल है, व्यवस्था सब लावारिस। क्या कार्रवाई की जाएगी? पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीयों के लिए ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ने शुरू की मुहिम जन जागरूकता की। वो परिवार हमसे जुड़े, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन पूरे देश में एक माहौल पैदा करना चाह रहा है कि देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखकर देश की लड़ाइयां लड़ी, वो लोग पाकिस्तान की जेल में बंद है, और जो लोग गलती से पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस कर गए, उन लोगों की रिहाई के लिए काम किया जाए। देश की सरकार और आम आदमी मिलकर इसको आगे बढ़ाए। कहां शुरुआत करेंगे, कब से और क्या शुरू? शुरुआत तो आपके माध्यम से आज से ही हो गई। इलाहाबाद की देवप्रयाग नगरी से, ये पावन भूमि से आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी 159 लोग हैं, 159 लोग हैं जिनकी हम लोग लिस्ट अभी कलेक्ट कर रहे हैं। उनके परिवार वालों से हमारा लगातार कॉन्टैक्ट बना हुआ है, जो लोग निर्दोष है पाकिस्तान की जेल में बंद है, और कुछ समय होने के बाद भारत सरकार उन्हें डेड डिक्लेयर कर देती है, मिसिंग डिक्लेयर कर देती है, और आज भी वो पाकिस्तान में जिंदा है जेल में, और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और भारत सरकार चुप बैठी हुई है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? अगर सरबजीत सिंह को मनजीत सिंह बना के पेश किया जा रहा है तो इस पे भारत सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है? सरबजीत सिंह की आज तक डीएनए जांच नहीं कराई गई, सरबजीत सिंह की आज तक पीटीआई परेड नहीं कराई गई, उसको कहा गया कि वो आतंकवादी है, उसने विस्फोट किया, आज तक उसकी पहचान क्यों नहीं की? अगर उसने वहां पर बम फेंका तो लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा
देखा तो उन्होंने क्यों नहीं पहचाना कि यही सरबजीत सिंह है? उसको भारत सरकार एक वकील क्यों नहीं मुहैया करा रही है, जो किसी का एक फंडामेंटल राइट होता है? क्यों नहीं भारत वकील भारत से, क्यों नहीं भारत से एक भी वकील पाकिस्तान गया उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? भर्ती के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा स्वरूप रानी अस्पताल में। परीक्षा टलने से हुआ था हंगामा, पुलिस ने संभाला माहौल को। यहाँ आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, ये साइलेंस से कोई मतलब नहीं है। इसके मुख्य जिम्मेदार अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी बेली के बगल में है। आप लोग चार के बाद देखिएगा, 8 तारीख से यहाँ पर इंटरव्यू ट्रेनिंग सेंटर पीछे होगा। मैं यहाँ पे चस्पा करवा दे रहा हूँ। क्या करोगे समाचार अपने किसी साथी से कह देना, प्रारंभ से मैं भी हूँ। राहुल की सभा की तैयारी जोरों पर, रीता जोशी ने मोबाइल से स्थल का फोटो खींचकर भेजा आलाकमान को। मिठाई लाल को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यकारिणी की बैठक स्थगित।